हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। लगातार परमानेंट वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। ग्रेड ए ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली गई है नाबार्ड की तरफ से। गोल्डन चांस रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे पद हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी आपकी रहने वाली है। बेसिक पे की ही अगर हम बात करें तो इसमें स्टार्टिंग जो बेसिक पे है वो 44,500 आपकी रहेगी। इसके साथ में जो सरकारी अलाउंसेज हैं वो भी अगर मिला दें तो 1 लाख अप्रोक्स जो है यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं, विज्ञापन देखेंगे। अप्लाई कैसे करना है वो आप लोगों को इस वीडियो में ही बताया जाएगा और पूरा विज्ञापन जिसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होंगी एप्लीकेशन करते वक्त आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए वो सब आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, यहाँ से वैकेंसी है। और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही आपको दिखेगा करियर नोटिस, इस पर क्लिक करना है। बिल्कुल नया एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर, एडवर्टीजमेंट इस पर क्लिक करना है। ग्रेड ए की वैकेंसी है, प्रिंट अगर आप प्रिंट करना चाहें और अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब चलिए एडवर्टीजमेंट जो है देख लेते हैं। सबसे पहले जो है पे स्केल, जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी स्टार्टिंग बेसिक पे जो है 44,500 रहेगी। और फिर जो है बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट अलाउंसेस जो है मिलाएंगे तो सैलरी जो है वो आप लोगों की लगभग 1 लाख तक रहने वाली है। सबसे पहले जो पोस्ट है जनरल की, जिसमें क्वालिफिकेशन ये जो है असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, इसके अंतर्गत जो पोस्ट का नाम है जनरल की, तो इसमें बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आपने, स्नातक आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं 60% मार्क्स के साथ में। SC ST PWD को इसमें छूट है, 55% मार्क्स आपके स्नातक में होने चाहिए। अभी आयु सीमा में देख लें या क्वालिफिकेशन में देख लें, जो भी SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल छूट मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंट की जो वैकेंसी है अकाउंटेंट की, उसमें भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। फिनांस की वैकेंसी है जिसमें BBA BMS वाले अप्लाई कर सकते हैं, सभी में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। या फिर 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर MBA वाले अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारी वैकेंसी है, आप सब्जेक्ट जो हैं अपना देखते रहें। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस में है या फिर बैचलर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग में है, IT में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हैं, सब में 60% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीकल्चर से अगर आपने बैचलर डिग्री ली है, बैचलर डिग्री आपकी वेटरनरी साइंस में है या एनिमल हस्बेंड्री में है, या फिर आपने फिशरीज साइंस से बैचलर डिग्री किया है, फूड प्रोसेसिंग में किया है या फॉरेस्ट्री में किया है, हॉर्टिकल्चर में किया है, जियो इन्फॉर्मेटिक में किया है या सोशल वर्क या रूरल डेवलपमेंट में किया है, इकोनॉमिक्स वाले इसमें बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री स्टैटिस्टिक्स में किया है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वाले, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर इन्वायरमेंटल साइंस 60% मार्क्स के साथ में, तो ये अलग अलग जो हैं डिपार्टमेंट रहेंगे, सभी ग्रेड ए ऑफिसर्स की है पद। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा वाले, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा वाले। अब इसमें जो है जो भी कैंडिडेट बैचलर डिग्री हिंदी सब्जेक्ट से किए हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट से किए हैं या आपने मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट से की है तो उसके साथ में यहाँ पर क्या चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश से किया है या फिर हिंदी मीडियम से आप पढ़े हैं और साथ में हिंदी या इंग्लिश आपने कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में 60% मार्क्स के साथ में पास किया है, साथ में PG डिप्लोमा आपने ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश मिनिमम 1 ईयर का, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री आपका हिंदी में है 60% मार्क्स के साथ में और इंग्लिश आपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, या इंग्लिश में मास्टर डिग्री है हिंदी आपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है
तो आप यहाँ पर राजभाषा ग्रेड ए ऑफिसर के पद पर आवेदन कर पाएंगे। क्या काम रहेगा? तो सभी का जो है अलग अलग काम रहेगा, तो इसमें बता दिया गया है। एज यदि हम देखें तो 21 से लेकर 30 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है बिल्कुल दिया ही जाएगा जो भी आरक्षित वर्ग हैं। अगर आप आयु कैलकुलेट करेंगे तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2003 तक आपका इसमें बर्थ डेट होना चाहिए। आयु सीमा में छूट ओबीसी को 3 साल की है, 5 साल की छूट एससी एसटी एक्स सर्विस मैन को है, 10 साल की पीडब्ल्यूडी को है जनरल में, 13 साल की ओबीसी और 15 साल की पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी एप्लीकेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपका टेस्ट रहेगा। इसमें सबसे पहला जो आपका प्री एग्ज़ाम रहेगा, इसमें 200 मार्क्स का 120 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। जो भी कैंडिडेट इसमें पास होंगे वो मेंस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपका मेंस होगा, सबका अलग अलग जो है सिलेबस है, अलग अलग टॉपिक बताए गए हैं। सिलेबस जो है वो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर नीचे दिया गया है। अभी एप्लीकेशन फीस कितनी है वो चेक कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो क्या रहेंगे? तो फेज़ वन का जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा तो उसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो लगभग सभी राज्य हैं। बिहार देख लें आप, चंडीगढ़ देख लें, गुजरात में अलग अलग जगह, हरियाणा की जो आपके नज़दीकी जो जगह रहेगी फॉर्म में आप वही भरें ताकि आसानी रहे एग्ज़ाम देने में। मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली एनसीआर के, पंजाब में, राजस्थान में, ठीक है। आपका प्री एग्ज़ाम होने के बाद जो है मेंस जो एग्ज़ाम रहेगा फेज़ टू, और उसके बाद फेज़ थ्री आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा। तो इसमें जो सेंटर रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? अहमदाबाद रहेगा, गांधीनगर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, शिलोंग, रांची, रायपुर, पुणे, पटना, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, ठीक है। तो ये सेंटर रहेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो टोटल फ़ीस है वो 150 रुपीज़ है। बाकी जो कैटेगरी हैं तो उनकी फ़ीस जो है वो 850 है, ठीक है। फ़ीस वापस नहीं होगी तो इसलिए ध्यान से भरिएगा। पे स्केल आपको बता ही दी है। कैसे अप्लाई करना है? तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है www.nabard.org। जैसे ही आप इस पर जाते हैं यहाँ पर करियर नोटिस है, इस पर क्लिक करना है। ये करियर नोटिस में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, इसके नीचे है अप्लाई हेयर, इस पर जो है आप लोग क्लिक करके अप्लाई करेंगे। पूरी गाइडलाइन आप जो है पढ़ लेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस जो है आप लोगों का पेमेंट होगा, फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्कैन एंड अपलोड होंगे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से जो है जब आप फिल करेंगे तो अच्छे से सबसे पहले देखेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अभी और कोई इम्पोर्टेंट चीज़? तो लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। 33 पेजेस की पीडीएफ फाइल है। जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे आराम से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस 27 जुलाई 2024 से लेकर 15 अगस्त 2024, ठीक है। जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, तो यहाँ सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक यू।